बर्लिन। दोस्तों मैं आज अपना सेकंड डे जर्मनी में स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं थोड़ी देर में पहुँचूँगी मैसे बर्लिन, जहाँ पर हमारा इवेंट है, जिसमें हमने इंडियन रेलवे IRCTC की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। दोस्तों मैं ITB बर्लिन में हूँ। ITB का मतलब है इंटरनेशनल टूरिस्ट बाज़ार, और मैं यहाँ पर अरेबियन कंट्रीज़ के हॉल में हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इराक से। ओ वाओ, यहाँ पर कुछ लेडीज़ भी हैं जो डांस करके दिखाएंगी। अच्छा, कुछ लोग उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपने देश के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हर कोई यहाँ पर है। ऑफिशियल एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, होटल्स, एयरलाइंस, सभी के स्टॉल्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर आकर आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। जहाँ पर भी आप घूमना चाहते हैं, आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, गजब अच्छी जगह है। और मैं बहुत लकी महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं आई हूँ IRCTC की तरफ से। हमारे स्टॉल पर भी अब लोग आने शुरू हो रहे हैं। उससे पहले मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना लें। सो दिस इज पैलेस्टीना, इट्स नाइस। आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ट्रावको ग्रुप, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। बस आप घूमने वाले हो जाइए तो आपको दुनिया में बहुत जगहें मिल जाएंगी घूमने के लिए। ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ग्रोथ होती है, बहुत सीखने को मिलता है। जब आप दूसरों को देखते हैं तो खुद को थोड़ी देर भूलते हैं, और खुद को थोड़ी देर भूलने पर ही आपको असल में पता चलेगा कि आप हैं कौन। जो खुद को समझ रहे थे आप वो नहीं। चलिए अब मैं इस हॉल में चलती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ पैसिफिक एंड साउथ एशिया। श्रीलंका, ओके, काफ़ी बड़ा स्टॉल है, नाइस। तो दोस्तों मेरा तो ये कंक्लूजन है इस मार्ट के बारे में कि प्राइवेट सेक्टर इज रॉकिंग हियर, गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा इट नीड्स टू कम अप टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्टर टूरिज्म। क्या कहूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा बड़ा स्टॉल तो अभी तक मुझे मालदीव्स का ही दिखा है। इतने सारे रिजॉर्ट्स पानी के, अपने आइलैंड कंट्री को टूरिज्म से ये लोग बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और इनकी स्टॉल में इनके प्रयास दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अफ्रीका और अरेबिक कंट्रीज के स्टॉल्स की तरफ। नेवरलैंड का स्टॉल भी काफ़ी बड़ा है। नेवरलैंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, सोमा बे, पाम रॉयल, क्या बात है। अरे वाह, कितने सारे लॉलीपॉप्स। एक आधा तो उठा के खा ही लूँगी मैं। ब्यूटीफुल फ्लैश टूर देखिए, ये तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है। वेरी नाइस। दोस्तों मैं इजिप्ट के पिरामिड ज़रूर देखना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगला ट्रिप या कभी भी जब पॉसिबल जा पाऊँ। नाइस। दोस्तों एमिरेट्स का स्टॉल, दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी लग्जरी एयरलाइंस। वाओ, मॉडल्स जैसी एयर होस्टेसेस हैं, सो गुड, वेरी नाइस। दोस्तों मैं एमिरेट्स के लग्जरी केबिन में हूँ। आई कांट बिलीव, शायद ज़िंदगी में मैं कभी इसमें ज़रूर जाऊँगी। ओह वाओ, आई नीड टू बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस and I'm surely going to avail it as soon as possible. This is Emirates shower spa, the only spa at 40,000 feet. Wow. Maybe I'll take a bath sometime in this when I go.
अरे हम तो इतने खुश हो जाएंगे ना कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. ओह वाओ, गॉड हैज मेड सो मेनी थिंग्स, गिवन अ चांस वी शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग. यहाँ आके तो दिल खुश हो गया. सो दोस्तों, मैं अपने आज के दिन के इवेंट्स खत्म करके दोबारा होटल की तरफ जा रही हूँ. शाम में एम्बेसी में हमारा डिनर है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर वन थिंग दैट वी हैव लेडी ड्राइवर विद अस फॉर अवर टैक्सी. मैं आज बचे हुए हॉल्स में जाऊंगी. यूरोप का हॉल है और एक दो और हॉल्स बचे हैं, उनमें क्या चल रहा है, क्या क्या स्टॉल्स हैं, मैं आपको बताऊंगी. दोस्तों, ये है अफ्रीका का हॉल, कीनिया, तंजानिया, यू कैन सी द जिराफ, ज़ैंज़िबार कलेक्शन, सभी रिजॉर्ट्स, होटल्स और इवन गवर्नमेंट के टूरिज्म के लोग यहाँ पर हैं, अपने अपने देशों से, अपनी अपनी जगहों से. ओह माय गॉड, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए. आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर. मैं दुनिया देखना चाहती थी और यहाँ पर दुनिया के सभी लोग हैं. हर कोने से हर कोई अपनी जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, कन्विंस करने के लिए आया है कि आप हमारी जगह पर आए, हमारे देश में आए, हमारे होटल में आए, हम आपको बहुत अच्छी सर्विसेज देंगे. और मैं IRCTC की तरफ से भी यही काम करने के लिए आई हूँ. दोस्तों, ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम अपने हॉल की तरफ जा रहे हैं. बीच में दूसरे हॉल्स मिल गए तो मैंने फटाफट वीडियो बना लिया. दोस्तों, मैं अपने हॉल में पहुँच गई और ये देखिए, पाकिस्तान का भी स्टॉल है और बांग्लादेश का भी है. नाइस. और अलग अलग स्टेट्स का है यहाँ पर, मध्य प्रदेश. यहाँ तो कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से मैंने मीटिंग भी की थी. तमिलनाडु, यू कैन सी द बुल. वाओ, अब मैं जा रही हूँ यूरोप के हॉल में. सो आई कैन सी बुल्गेरिया का स्टॉल. कुछ लोग स्टैंड भी कह रहे हैं, कुछ लोग स्टॉल भी कह रहे हैं, तो जो भी है समझ लीजिए. ओके, खाने पीने का भी है, खाएंगे तो हम अपने इंडिया के हॉल में ही. वहाँ पे वेज फूड अच्छा मिल रहा है. तुर्की, ओके, ये टर्किश एयरलाइंस का स्टॉल है. अरे वाह, इनकी बिजनेस क्लास में बैठ के तो देख लें कैसा लगता है. खैर, अब तो हम बिजनेस क्लास वाले हो गए हैं. नेक्स्ट ट्रिप विल बी इन बिजनेस क्लास ओनली. क्लास में थोड़ी देर के लिए सो गई हूँ और वेट कर रही हूँ अपने एंटाइटलमेंट का. उम्मीद करती हूँ अगली फ्लाइट बिजनेस में ही होगी. थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल फीलिंग. इस्तांबुल इज द न्यू कूल. मैं तो जाऊंगी इस्तांबुल भी कभी. जो भी अब मन में आ रहा है उसे आने देती हूँ, क्योंकि वो पूरा हो जाएगा, ये मानती हूँ. दोस्तों, टर्की वालों ने मुझे ये मीठा खाने को दिया. एक पीस मैं खा चुकी हूँ, एक मैंने रख लिया है. बड़े मज़े आ रहे हैं यहाँ पे भाई. तो ये यूरोप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका दूसरा हॉल है, उसमें भी हम आ गए हैं. विजिट माल्टा. इधर क्या है, क्रोशियन. देखिए कितने अच्छे इन्होंने ऊपर पेंटिंग्स लगा रखी हैं, टांग रखी है लिटरली. वेरी ब्यूटीफुल. अरे वाह, यहाँ तो मोर पंख के साथ एक बंदी है यार. अरे वाह, वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग ऑसम, ग्रेट, वेरी नाइस. इसीलिए मैं दुनिया देखना चाहती हूँ. दुनिया में बहुत कुछ है, दूसरों से आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं. जिसको जो पहनना है, जो खाना है, जो करना है कर सकता है, कोई नहीं रोकता उसको, उसके अपने खुद के दिमाग के सिवा. जब इंसान अपने तरीके से जीने लगता है तो ज़िंदगी उसे उसी तरीके से मिलने लगती है और लोग भी उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. बहुत सोच कर, कॉन्शियस रह कर कई बार हम अपने रियल सेल्फ को सप्रेस कर देते हैं, जो फिर अलग अलग तरीकों से बाहर आता ही है. क्योंकि आप अपने आप को दबा सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं. थैंक यू गॉड,
ये बात समझ में आई और अपनी ज़िंदगी को मैंने भरपूर तरीके से जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब आ गए हम दुबई की स्टॉल पे। यू कैन सी दुबई, क्या बात है, क्या स्टॉल है, पूरा रिजॉर्ट यहीं पे बना दिया इन लोगों ने। और एयरलाइंस, मतलब लोग इतना एनर्जी डालते हैं ना किसी चीज़ में तब रिजल्ट मिलता है। अरे देखिए केबिन बना रखे हैं, नाइस। हाँ यहाँ तो मैं बैठ चुकी हूँ, एंजॉय कर चुकी हूँ। अरे वाह यार, ये जगह तो बहुत ही गजब है। ओमन एयर, इनकी एयरलाइंस में जाके बैठती हूँ, उनकी बिजनेस क्लास में सो लेती हूँ, 5 मिनट थक गई हूँ। क्या भीड़ है यार यहाँ पे, यूरोप में कम भीड़ थी, इंडिया में सो सो है इस समय। आज तीसरा दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। और यू कैन सी पीपल मैन, हे वाओ, ओमन एक्सपीरियंस ओमन। यहाँ बहुत रौनक है, पूरी दुनिया से लोग, वाओ फीलिंग है। चलो फिर वो डायलॉग नहीं, वो मीम भी बोली देते हैं। सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ये ओमन का लीडिंग कल्चरल इंस्टीट्यूट है और इन्होंने मुझे इनके बारे में बहुत जानकारी दी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, वेरी नाइस प्लेस, थैंक यू। दोस्तों पहले दिन मैं आई थी तो सब देख रही थी, थोड़ा घबरा रही थी, हर कोई मुझे लग रहा था कि अलग है, कैसे बात करूं। लेकिन आज यहाँ तीसरे दिन मैं ऐसे हो गई हूँ जैसे सब मेरे अपने ही हैं। इतना इजीली सबसे बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, सब इतना अच्छी स्माइल दे रहे हैं मुझे। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो जी। वाओ, ये होता है जब आप बाहर निकलते हैं तो आप खुद खुलते हैं, आपको अपने बारे में पता चलता है। पहले दिन होटल में भी मैं थोड़ी कॉन्शियस थी क्योंकि पूरी दुनिया से लोग थे वहाँ पर भी। ब्रेकफास्ट में भी मैं सोच सोच के खा रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। लेकिन आज तीसरे दिन क्या बिंदास खाया मैंने, जो मेरा मन है खा रही हूँ, हाथ से खाने का मन है हाथ से खा रही हूँ, चम्मच से खाने का मन है चम्मच से खा रही हूँ। तो यू कैन बी योर सेल्फ कम्प्लीटली वेन यू आर आउट एंड वेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। दोस्तों इस शारजा सफारी में बैठकर मैंने अपनी आंखों पर 3D इक्विपमेंट लगाया और जिराफ देखे। और ये दुबई के पास है और मैंने प्लान बनाया जब मैं दुबई जाऊंगी तो यहाँ पर भी जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि अब क्या दिखाऊं, चलो हो गया, लेकिन फिर कुछ दिख जाता है। देखिए बिल्कुल लहरों पर आप चल रहे हैं, 3D फ्लोर। देखिए समुद्र के पास आ गया, बिल्कुल लग रहा है कि आप बर्लिन में। अरे वाह, रेत आ गई है, इम्पैक्ट इफेक्ट। दोस्तों यहाँ मेहंदी लग रही है और इतनी खूबसूरत मेहंदी, इनके बाद मेरा नंबर आएगा। तो दोस्तों अब मैं अपने वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगी और आप सबको इनवाइट करूँगी अगले साल के इस इवेंट में बर्लिन में। आप लोगों को खुद ही आना होगा, मैं भी शायद दोबारा आ जाऊँ। ये देखिए एक हाथ पर लगी हुई है मेहंदी, क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ वेरी नाइस, आई एम आल्सो गोइंग टू गेट इट डन। पीपल आर सो फ्रेंडली, सो नाइस। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को अगर इस मार्ट का मज़ा लेना है तो ये हर साल होता है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही होता है, बर्लिन में ही होता है। तो आप लोग प्लान कर सकते हैं, बर्लिन घूमिए और इस मार्ट में भी आप आइए। आने का शायद कोई टिकट नहीं है, मतलब मैं पार्टिसिपेंट थी तो मेरा तो टिकट नहीं था, होगा भी तो बहुत अफोर्डेबल ही होगा क्योंकि बहुत भीड़ देख रही हूँ मैं यहाँ। दोस्तों जॉर्डन रह गया था और ये दिखाना ज़रूरी था, बहुत बढ़िया सेक्टर है। विजिट कतर, क्या डांस हो रहा है, ओह वाओ आई एम गोइंग टू डांस। देखिए मैंने मेहंदी तो लगवा ली है, इफ़ यू कैन सी। मुझे लगा था वीडियो लंबा हो जाएगा ना बनाऊं, पर मैं रोक नहीं पाई खुद को।